प्रदेश की आर्थिक राजधानी स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग गौशाला पर माहेश्वरी समाज के समाज सेवी दिनेश सारडा परिवार द्वारा शहर की 4 से अधिक गौशालाओं की गायों के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोग लगाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। संस्था गोल्डकॉइन द्वारा माहेश्वरी समाज की समाज सेवी वेखुंडवासी विजय लक्ष्मी सारडा की पावन स्मृति में हुए इस आयोजन में करीब 1500 गायों के लिए पालक, बथुआ, हरा टमाटर, मेथी, गाजर, धनिया, विभिन्न प्रकार के हरे चारे, भूसा, कई प्रकार की सब्जियां, गिलकी, भिंडी, टमाटर, कद्दू, विभिन्न प्रकार के फल, सेब फल, जाम फल, चीकू सहित गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे एवं ज्वार की रोटी, बाटा दाल, गुड़ की थुली, चावल, चूरमा, ड्राई फ्रूट के हलवे, मखाना, काजू बादाम सहित विभिन्न प्रकार के गायों को खिलाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का भोग अर्पित किया गया। सबसे पहले मैं लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को प्रणाम करता हूँ, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अनन्य दिनों में से हो गया, क्योंकि आज के दिन मेरी माता जी का वैकुंठवास हो गया था और मन में ये भाव बना, प्रथम पुण्य स्मरण आया तो, क्योंकि हम बचपन से हमारी मम्मी से एक सीख लेते आए कि जीवन में बेटा भूखे सो जाना, लेकिन कभी किसी के घर पे द्वार पे जाके मांगना नहीं। तो हमने बचपन से ऐसी चीज़ों का अभाव देखा था, वो अभाव मन में आज भी हमारे रहता है, क्योंकि हमारी माता ने हमको कभी भूखा नहीं सुलाया। तो उस भाव को मैं शुरू से, जब मेरी माता जी का वैकुंठवास हुआ था, उस समय से लेके चला था कि मैं किसी दिन इस टाइप का अन्नकूट करूं कि हम हर जगह पारिवारिक रूप से तो सबको भोजित कराते ही कराते हैं, कहीं ना कहीं हमारी माता रूप में गौ माता है, इनका एक अन्नकूट करूंगा। तो आज वो रूप मैंने स्वरूप बनाकर इस माता के सामने रखा और 1100 गौ माता का प्रण नहीं लिया, लक्ष्य नहीं लिया, एक विषय लिया कि हम 1100 गाय का लक्ष्य ले सकते हैं, कर सकते हैं क्या। तो कुछ हमने घर से तैयार की सामग्री भी यहाँ उपयोग की है और कुछ गौशाला को हमने चिन्हित किया है, क्योंकि 1100 गौएं कहीं हमको एक जगह चिन्हित नहीं हो पा रही थी। और लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, हम नामानुसंप्रदाय से जुड़े थे, हमने वेंकटेश मंदिर को एक मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया और बाकी हमने चिन्हित 5 गौशाला करी है, जिसमें अहिल्या गौ माता गौशाला है जहाँ पर हम हरा चारा खिलाएंगे, विद्याधाम गौशाला है जहाँ पर हम दाल की चूरी को भोग लगाएंगे गौ माता को, एक हमने पचकुया मोक्षधाम गौशाला है जहाँ 101 किलो लापसी गुड़ की हम बनाकर उनको भोग लगाया जाएगा, एक गौशाला है हमारी फुटी कोटी कामधेनु गौशाला है, वहाँ पे सूखा चारा खिलाया जाएगा, एक गौशाला है हमारी पचकुया राम मंदिर पचकुया है, वहाँ भी हरा चारा का भोग लगाया जाए। ऐसे हमने 1100 गाय का मन का भाव लिया था, जहाँ पर 1840 कुल गाय हमारी आ रही है और भगवान कृपा से, ठाकुर जी कृपा से, माँ की कृपा से ऐसा भाव बना और वो पूर्ण रूप से होने जा रहा है, हो रहा है। और आप सभी की ओर से मैं माँ गौ माता के चरणों प्रणाम करता हूँ, माँ के चरणों प्रणाम करता हूँ। पंचकुया मोक्ष धाम स्थित गौशाला पर 151 किलो गुड़ की थाली का भोग गाय को लगाया गया। लक्ष्मण दास जी महाराज श्री राम मंदिर स्थित गौशाला पर हरे चारे का भोग एवं श्री विद्याधाम मंदिर गौशाला पर भी हरे चारे का भोग गौ माताओं को अर्पित किया गया। वहीं अहिल्या माता गौशाला केशरबाग रोड पर गायों का दाल की चूरी का भोग लगाया गया। वहीं एयरपोर्ट रोड स्थित कमल किशोर नागर जी की गौशाला पर दाल की चूरी गायों को खिलाई गई। लगभग 200 किलो दाल की चूरी का भोग लगाया गया। मुख्य आयोजन वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग स्थित गौशाला पर किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज के गणमान्य समाजजनों एवं गोल्ड कॉइन ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ मंदिर के विद्वान पंडितों की उपस्थिति भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।